नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम न्यू अनाउंसमेंट जो कि इग्नू की तरफ से हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर एग्ज़ाम 2018 का रिज़ल्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाता है, तो इग्नू ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि रिज़ल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। आपने खबर भी पढ़ी होगी, वरना एक लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में एक चीज़ और जो कि उसमें लिखी गई है कि जिन बच्चों का UFM केस में पकड़ा जाएगा उनका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, और UFM के साथ साथ जिन बच्चों को क्लास के अंदर यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं भी पकड़ा गया था लेकिन उनका बाद में पता चलता है, जैसे कि चेकिंग करते वक्त उनका पता चला कि उन्होंने किसी से कॉपी की है या कॉपी करने की कोशिश की है, तो उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये न्यू अनाउंसमेंट है इग्नू की तरफ से कि रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर 2018 के एग्ज़ाम का वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा। ये बात मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ कि फरवरी में रिज़ल्ट जो है वो आता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के एंडिंग पार्ट में, यानी कि लास्ट डेज में फर्स्ट वीक के आ जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जिनका के UFM केस होगा यानी कि अनफेयर मीन्स यानी कि चीटिंग का केस होगा उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। साथ में उन भी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आएगा जिन बच्चों ने चीटिंग की और वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं पकड़े गए लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, जैसे कि जब चेकिंग की जा रही हो टीचर के द्वारा आंसर शीट की और उसमें पता चलता है कि उसने किसी और से कॉपी की, ठीक, तो दोनों ही बच्चों का उसमें भी पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक नई अपडेट थी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।